है वो दोनों काम करता है। उसमें डायरेक्ट आपको बिजनेस भी मिलता है और यूजर कनेक्शन भी मिलता है, दोनों ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन ज्यादा बेनिफिट उसका ये है कि कस्टमर आपको विजिट करना चाहता है तो लोकेशन शेयरिंग आसान हो जाती है। कस्टमर लोकेशन आपको आने से पहले आपका एड्रेस, आपकी लोकेशन देख लेता है कि आप फिजिकली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और आप उसके अगर वो लोकल सर्च करता है तो आपकी प्रोफाइल टॉप पे आ जाती है। जस्ट लाइक कह लें कि वो जरूरी नहीं कि आपकी वेबसाइट पे भी आए, लेकिन आपके नंबर, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका सब कुछ उसको पता चल जाता है। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आती है वहां से, लेकिन वो खुद भी एक पूरी वेबसाइट है। तो गूगल बिजनेस से डायरेक्ट भी बेनिफिट या बिजनेस लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वहां से ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पे देखें तो वहां से भी आपका मसला हल हो सकता है। और भी क्वेश्चन? कि आज जो हमारी डिस्कशन है, क्योंकि मैंने लास्ट भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, दोबारा भी एक बात करूँ, क्योंकि एसईओ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऑन पेज में जो हर पेज, हर वेबसाइट के लिए, हर पेज के लिए मैंडेटरी हो सकती हैं। तो खासतौर पे हमने लास्ट डिस्कशन की है, दो तीन लेक्चर, चार लेक्चर, वो मैंडेटरी डिस्कशन थी। हर वेबसाइट के लिए उसकी ज़रूरत है, जैसे डाटा डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंकिंग, ब्लॉगिंग आपकी और गूगल बिजनेस, हर वेबसाइट की जरूरत है। अभी कुछ टैग हम ऐसे डिस्कस करेंगे और जिनका जो थोड़ा सा टेक्निकल एसईओ में आते हैं, इनकी जरूरत आपको वेबसाइट को देख के समय में आपने डिसाइड करना होगा कि क्या इस वेबसाइट पे इस तरह की डिस्कशन आप आएगी हो। मैं उन पर इनका पोर्शन है, लेकिन ये कि बार दफा आप अपने बिजनेस को, जब वेबसाइट को देख के डिसीजन करेंगे इनमें से कौन सी ऑप्शन को आपने यूज करना है। आज हमारी को डिस्कशन इस तरह की होगी। नंबर वन पे एक W3C एक स्टैंडर्ड है इंटरनेट पे, वेबसाइट के हवाले से एक वैलिडेशन है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी वेबसाइट बनाई जाती है, जब वेबसाइट बनती है तो उनका एक आप कहते हैं कि एक टेस्ट होता है वेबसाइट का, उसमें कोई वार्निंग्स हैं, कोई एरर्स हैं वेबसाइट में, तो वो आपको इस टेस्ट से पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट में क्या इश्यूज हैं। इन इश्यू का तलक वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ होता है। इसका मतलब तो जिसने वेबसाइट बनाई है आप ये टेस्ट रिपोर्ट उसको शेयर कर सकते हैं ताकि जो पॉसिबल है एरर वार्निंग उनको वो ठीक कर दे। उनमें सबसे पहले देखते हैं कि ये छोटा सा टेस्ट ये है क्या चीज, इसकी साथ साथ डेफिनेशन भी आप रीड करते जाइएगा। सबसे पहले देखें कि इस टेस्ट का जो आपको एंड पे बेनिफिट मिलेगा वो यूजर और गूगल के हवाले से मिलेगा। गूगल ने भी वेबसाइट पे आना, यूजर ने भी आना। अगर वेबसाइट में इश्यूज होंगे, कोई टेक्निकल फॉल्ट होंगे, कोई आपकी कोडिंग ओवरलैप हो रही होगी, कोई आपकी कोडिंग में कोई आपके ऐसी चीजें आपने मिस की हैं जो वेबसाइट बनाते हुए, खासतौर पर वेबसाइट जो खुद कस्टमाइज बनाई जाती है उनमें इशू ज्यादा होते हैं। और वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उनमें इशू,
आपका चांस कम होता है, लेकिन पॉसिबल है उसमें भी हो। लेकिन दूसरा चीज है कि जो वेबसाइट हम खुद बनाते हैं, कस्टमाइज HTML या PHP के अंदर या और किसी लैंग्वेज के अंदर डेवलपर खुद बनाता है, और उसको प्रॉपर टेस्ट की जरूरत होती है कि उसमें जो इश्यूज है वो सॉल्व किए जाए, ताकि उसका इम्पैक्ट कल को SEO में या ट्रैफिक देना। ये टेस्ट हम करेंगे, ये टेस्ट एंड पे जाके हमें दो रिजल्ट देगा, वार्निंग देगा और एरर देगा। एरर का मतलब ये होगा कि बिल्कुल ये चीजें ठीक हो जानी चाहिए, वार्निंग का मतलब था काम चल सकता है, और उनका हमारे SEO पे क्या इम्पैक्ट होगा, उनका हमारी ट्रैफिक डैमेज हो सकती है, क्योंकि सर्च इंजन उसको उन कुछ चीजों को एरर कंसीडर कर रहा है, उनको वार्निंग कंसीडर कर रहा है। तो बेहतर होगा कि आप उनको पहले ठीक करें। वो ठीक कैसे करनी है, हमने इस स्लाइड को मैं चलाता हूँ, साथ साथ आप इसको रीड कीजिएगा। आप देखिए कि जब आप ये टेस्ट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें कहाँ आएगा, डायरेक्टली हमें SEO में इसका बेनिफिट आएगा। उसकी रीजन है कि कोई वेबसाइट पे मैंने जैसे पहले बात की थी, कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, तो एरर्स ऐसी हो सकती है जो इंडेक्स नहीं होने दे रही, चाहे ऐसे इशू हो सकते हैं इंडेक्स हो गया लेकिन वो प्रॉब्लम के लिए डिफिकल्टीज को क्रिएट कर रही, वो आपकी कोडिंग जो आपने वेबसाइट में की, जैसे मैंने कहा एक कोडिंग बार बार आपसे डुप्लीकेट कोडिंग आपसे होगी, क्योंकि कुछ आपके कोडिंग को स्पेशली आपने लॉक करना था, वो चीज़ें आप स्किप कर गए, तो वो चीज़ें ये आपको बताएगा कि ये आपके इस लाइन में इस कॉलम में आपके इश्यूज हैं जब हम एक वेबसाइट का टेस्ट करेंगे। मैंने फिर कहा कि नॉर्मली इसका जो रिजल्ट है जब हम इसके इशू सॉल्व करवाते हैं तो हम डेवलपर को इस्तेमाल करते हैं, डेवलपर को जो फाइल बना के आपके वेबसाइट में ये इशूज हैं तो डेवलपर फिर उन लोगों को देख के हमें वेबसाइट को ठीक करके देता है। जैसे कि आपकी वेबसाइट को हम ब्राउजर के साथ कंपैटिबल है, बिल्कुल अगर आपकी वेबसाइट किसी खास ब्राउजर में ठीक चलती है, किसी खास के साथ इशू है, डेफिनेटली आपके ट्रैफिक कम हो जाएगी, तो ये भी टेस्ट होता है। फिर आपकी जो वेबसाइट तमाम डिवाइस के साथ कंपैटिबल है, मोबाइल लैपटॉप और जितनी भी टैब वगैरह सबके साथ कोई इशू तो नहीं है, खुलने में ओके है। अच्छा, उसके बाद ये फाइनली जो इसका सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट वेबसाइट है जिससे टेस्ट हो सकता है, फर्ज करें कि दो सॉफ्टवेयर है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर आप इसको वेबसाइट को इसको इस्तेमाल करें आपको ये आगे जो बेसिकली सॉफ्टवेयर जिससे ऑनलाइन लोग टेस्ट कर लेते हैं, और अगर आप इसके डेफिनेशन को रीड करें तो आपको भी समझ आएगी कि बिल्कुल एक टेक्निकल लैंग्वेज के साथ उसका इश्यू है जो आपकी वेबसाइट बनाते हुए आपसे चीजें रह जाती है। बस करें कि मैं कोई भी एक वेबसाइट दे दें, मैंने ये एक वेबसाइट इसको दी और अगर मैं इसका टेस्ट करता हूँ तो आपको ये डिफरेंट तरह के ऑप्शन देगा, जिसमें मैंने और मॉर्निंग का मतलब है कि इसके बगैर साथ साथ चल सकती, लेकिन जहाँ एरर है इसका मतलब इसको फौरन ठीक हो जाना चाहिए। तो नॉर्मली मैंने कहा जो SEO वाला बंदा होता है चीज़ों को कम अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि वो बेसिकली कोडिंग पे उसकी स्किल नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास कोई डेवलपर है जहाँ आप किसी डेवलपर से भी ये सर्विस लेके उसे ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर चीज में आपकी एक्सपर्टीज उतनी ही हो, क्योंकि डेवलपमेंट और कोडिंग बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, और लेकिन अगर कोई ऐसे इश्यूज वार्निंग आते हैं तो किसी डेवलपर किसी सीनियर को दिखाया जा सकता है और ताकि इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। अभी क्योंकि जो मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट टेस्ट की है तो वर्डप्रेस में मैंने कहा नॉर्मली इशूज कम ही होते हैं, लेकिन अगर आप किसी की PHP की बनी वेबसाइट कस्टमाइज बनी वेबसाइट को जहाँ डालेंगे तो 100-200 जहाँ आपको वार्निंग एरर शो हो रही होगी, इसका मतलब था वहाँ पे ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि उनको ठीक किया जाए, उस केस के लिए फिर हम किसी सीनियर की या किसी डेवलपर की सर्विस देते हैं। तो ये बस इतनी डिस्कशन थी, जैसा आपने बनाना, अक्सर लोग इंटरव्यू में इस टेस्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, तो आप इसके बारे में इतना ही जानते हैं कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस, वेबसाइट की कोडिंग कह लें कि उनका एक टेस्ट है जिससे आपको उसकी एरर वार्निंग का पता चलता है, और फिर हम इसको कितना हद तक दे सकते हैं, इनका एरर वार्निंग को आप उस तरह से मे बी कन्फिगर ना कर सके जिसके लिए आपको फिर मैंने कहा डेवलपर की जरूरत होती जो आपको यहाँ हेल्प करे। क्वेश्चन हो तो बात
अच्छा आज का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है इसके बाद अगली स्लाइड इसी स्लाइड के अंदर इसकी लास्ट स्लाइड जो है बिल्कुल इससे डिफरेंट है, एक इसका इम्पोर्टेंट पोर्शन है चैप्टर का एंड के कि मैं मानता हूँ आप इसके अगर दो लाइनों में डेफिनेशन देखें तो आपको समझ आएगी। मैं इसकी और इसको सिंपल एग्जांपल देके आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको स्कीमा मार्कअप एक ये पहले के इंपॉर्टेंट है और ये आपका और मेरा काम है ये किसको ठीक करना, क्योंकि एससी वाले लोग ही इसको डील करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पेश है, इसका बेनिफिट क्या है, मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ। जैसे फर्ज करें एक मार्केट में आपकी कोई शॉप है, कोई स्टोर है आपका, और अगर आप उस स्टोर की पे चीजें कुछ निकाल के बाहर रख देते हैं फ्रंट पे, या आप फ्रंट पे जो आपका शोकेस है स्टोर का उसमें चीजें लगा देते हैं, तो कस्टमर जो आप मूव कर रहे हैं ट्रेवल कर रहा है वो बाहर से देख के भी अंदर आ जाता है। जिस तरह बाद आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं और आप किसी मार्केट पे, तो आपको दुकान के बाहर पड़ी चीजों से भी अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर क्या चीज हो सकती है, और जो बाहर चीजें रखी गई थी उन्होंने आपको अट्रैक्ट किया कि इसके अंदर जो ऑप्शन इसमें जो चीजें पड़ी हुई है, या दुकान के बाहर जो शोकेस लगा हुआ था एक्स्ट्रा उसके अंदर लगी हुई प्रोडक्ट से आपको अंदाजा हो गया कि शॉप पे ये प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। आप कभी जो आप शोकेस में चीजें लगाते हैं, जब बाहर चीजें रखते हैं उससे आप एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट लेते हैं ताकि लोगों को चीजों का पता चले और लोग आपकी के पास आ जाए। इंटरनेट पे भी जब गूगल में हम सर्च करते हैं तो आप गूगल में जब चीजें सर्च होती हैं तो आमतौर पे आपको गूगल जो स्पेस देता है बड़ी एक लिमिटेड स्पेस। अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी कीवर्ड आप सर्च कर लें, कीवर्ड एक मैं आपके सामने सर्च करता हूँ, मैंने कीवर्ड सर्च किया फर्ज करें एमसीएससी सर्टिफिकेशन, आप गूगल में आपने सर्च किया तो आप देखेंगे कि नॉर्मली आपको गूगल ने कितनी गूगल नॉर्मली इतनी जगह ही देता है, एक यूआरएल होती है, आपका टाइटल होता है, दो डिस्क्रिप्शन की लाइनें होती है। आमतौर पे आपको वेबसाइट गूगल में एक वेबसाइट को चार लाइनों की जगह होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि गूगल से जगह ज्यादा लें आप, अगर आप ये चाहते हैं गूगल से जगह ज्यादा लें आप, गूगल आपको छह से आठ लाइनें दे दें, जितनी स्पीड ज्यादा मिलेगी उतना ही ज्यादा आपका क्लिक रेट बढ़ेगा, उतनी ही ज्यादा आपकी वर्क बढ़ेगी। और फिर दूसरा कि आप जगह ज्यादा लेते हुए चीजें भी वो वहां शो करेंगे, ये जो चीजें नजर आ रही है चार जो गूगल अपनी मर्जी से आपकी वेबसाइट से उठाता है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा चीजें शो करना चाहते हैं तो वो हम चीजें भी अपनी मर्जी से डिस्प्ले कर सकते हैं कि क्या शो करना है। आपके जो लोगों ने आपको जैसे गूगल मैप में हमने रिव्यू पढ़े थे, आपके रिव्यू हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है, आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपके कुछ इवेंट्स हैं उनकी डिटेल हो सकती है, यानी कि आप मल्टीपल चीजें शो कर सकते हैं। कोई 8 to 10 डिफरेंट चीजें हैं जो आप सर्च इंजन के अंदर यहाँ डिस्प्ले में ला सकते हैं। आपको जब स्पेस ज्यादा मिलेगी क्लिक पड़ जाएंगे आप, कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जिसपे यूजर वेबसाइट पे क्लिक अपना आपका रेंटल कार का बिजनेस है तो जरूरी नहीं कि वो आपकी वेबसाइट पे आके आपको कॉल करे, नंबर ढूंढ के वो आपको जहां से नंबर देख के भी कॉल कर सकता है अगर आपका नंबर इधर सेट में डिस्प्ले हो जाए। उसके लिए जब तक आप चीजें वेबसाइट पे ऐड नहीं करेंगे गूगल यहाँ डिस्प्ले नहीं करेगा एक्स्ट्रा। अब मैं कुछ कहा आपको लोन के डिस्प्ले में दिखाता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल नजर आ जाए। इवेंट्स क्योंकि मैंने सर्च किया तो मुझे एक किसी का एक प्रोफाइल नजर आई, उसकी रेटिंग नजर आ रही है। गूगल बिजनेस में नजर नहीं आपको आई, यहाँ नजर आ रही है आपको, इसका मतलब है कि एक लाइन एक्स्ट्रा मिल गया। यूजर क्या करेगा बेसिकली आपको एक्स्ट्रा आपको आपका फीचर लोगों को नजर आ रहा है, पांच लाइनें आपको मिल गई। मैं इससे ज्यादा स्पेस भी आपको दिखाता हूँ, अगर आप जाकर सर्च करें इवेंट लोकल इवेंट्स में सर्च करता हूँ तो इसमें आपको और ज्यादा ये देखिए उसके रिव्यू कितने मिले वो भी नजर आ रहे हैं, कितनी रेटिंग वो भी नजर आ रही है आपको वेबसाइट पे गए बगैर। और ये देखिए उसकी कॉल सैंपल मिल गई, इसको देखिए कितनी स्पेस मिली, चार लाइनें और तीन लाइनें इसको एक्स्ट्रा मिली।
आपके जो आपकी क्लास फर्ज करें क्लास है, क्लास के स्केड्यूल है आपके, ये देखिए इसको भी नीचे ऐसे मिला हुआ है, आठ लाइनें इसके पास है, डबल स्पेस इसके पास है। मैंने जब स्पेस आपको उससे क्लिक पड़ेंगे जब आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपके क्लिक पड़ेंगे, आपका डिस्प्ले बढ़ेगा तो आपके क्लिक पड़ेगा। आप ये देखिए कि आपने इस वेबसाइट को देखा, इसको एक्स्ट्रा चीजें और नजर आ रही हैं। इस तरह अगर आप और वेबसाइट भी देखेंगे तो आपको डिफरेंट वेबसाइट में ये चीजें नजर आ रही होंगी, खासतौर पर जिन्होंने ऐड किया होगा वो डेफिनेटली आपको नजर आएगा। कि मैंने अपनी डेमो सर्च किया तो इसकी रेटिंग और इसकी प्राइस भी अगर लिखी होती तो प्राइस भी नजर आती, इसने यानी कि फिल प्राइस इसने दी नहीं वरना प्राइस भी डिस्प्ले हो जाता। यूजर आपकी वेबसाइट पे आए बगैर बहुत सी डिटेल आपकी जान सकता है अगर आपने जो चीजें कंफिगर की। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाहें तो आप कल इसके लिए डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनसे ये काम हो जाता है। कि मेरे पास सॉफ्टवेयर है जो ज्यादा आसान है, ये काम मैनुअली भी किया जा सकता है लेकिन हेलो जी जी अच्छा ये जब कोड हमने लिखना है तो इस ये तो हम अपनी वेबसाइट में लिख रहे हैं कोड, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा तो नहीं गूगल को पे करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं इसकी कोई एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस के लिए वैसे जैसे एसईओ में हम गूगल को कहाँ पे करते हैं लेकिन इसमें आपको पे नहीं करना पड़ता, वो एक्स्ट्रा चीजें वेबसाइट में ऐड करनी पड़ती हैं, आप सिर्फ ऐड करके काम हो जाएगा। तो कोई स्पेशल टैग होते हैं जिनके अंदर हमें ये करना पड़ता है ऐड? ये बिल्कुल ऐसे स्पेशल टैग है, इनकी पूरी एक लैब है जो भी हम करेंगे, जाके इनको वेबसाइट में आपको कॉन्फिगर करना पड़ेगा देन जाके डिस्प्ले होगा। सही है ठीक है थैंक यू। आप सब हमारे अगर ये एरर ज्यादा हो तो अगर ज्यादा हो तो डेवलपर की जिम्मेदारी के इसको ठीक करके दे, नॉर्मली ये एसईओ वाले बंदे का काम नहीं होता और ये डेवलपर का बेहतर काम है कि वो करके दे। लेकिन एसईओ तो हम कर रहे हैं ना, तो डेवलपर बीच में क्यों आएगा, वो भी हम ही ऐड करें फिर? नहीं इस कोड की बात नहीं हो रही, जो प्रीवियस मैंने बात की थी ना उसकी बात, किसने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है जो W3 टेस्ट की बात कर रहे थे उसमें किसने पूछा था, वो वेबसाइट में जो एरर है उनकी वो बात कर रहा है। ये कोड तो हम खुद ही एक्ट करेंगे, ये काम डेवलपर का नहीं है। ठीक है थैंक यू। जी फरहान साहब आपने वो चलो इधर मैंने दे दी एग्जांपल। अच्छा ये कैसे पॉसिबल है जी आपने सारा काम करने, जब आप मैंने जब लिंक ओपन किया इस पे इधर से आपके सामने ऑप्शंस हैं,
आप डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट का बिजनेस क्या है, मसलन कोई पर्सन है, कोई प्रोडक्ट है, कोई रेसिपी की वेबसाइट है, वीडियोस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल बिजनेस, हाउ टू, जिस इवेंट्स की वेबसाइट है, जिस तरह की आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक नीचे पैरामीटर नजर आएंगे। देखिए जैसे मैंने कहा मेरे इवेंट्स हैं, मैंने इवेंट्स के लिए ये सारा काम करना, तो आप देखिए इसमें वो क्या कहता है राइट पे। असल में ये काम मैनुअली भी लोग कर लेते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे हेल्प करेगा, जो कोडिंग करेंगे ये कोडिंग राइट पे बनती जाएगी आपकी। मतलब वो कह रहा है कि आपका आपका इवेंट का नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, यूआरएल क्या है आपका, स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, सारे पैरामीटर आप जहाँ देखें इसको सेव कर, उसकी टिकट कहाँ से मिलेगी, करेंसी कौन सी होगी, जो भी करेंगे सेव हो जाए। अगर आप कहते नहीं मेरा बिजनेस ये नहीं है, मेरा फर्ज करें जैसे हम कहते हैं लोकल बिजनेस है, लोकल बिजनेस करेंगे तो पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। आप देखें लोकल बिजनेस में कितनी ऑप्शन, वो कह रहे हैं कहते हैं सारा बेसिकली ये सॉफ्टवेयर आपसे जहाँ आपसे फॉर्म फिल करवाएगी, फॉर्म फिल करके आपको राइट पे कोडिंग बना देगी, ये कोडिंग जाके आपने अपनी वेबसाइट की बॉडी में लगानी होगी, आपको सारी कोडिंग जहाँ से मिल जाएगी, कोडिंग को खुद करेगा। आपने जैसे लिखना है, मसलन मैं अगर लिखना चाहता हूँ किसी का कोई नेम देना चाहता हूँ, कोई भी नेम है, फर्ज करें बिजनेस का नेम मैंने लिखा, मैंने कहा कि मैंने अपने बिजनेस का नेम दिया इसको, आप देखिए आपने राइट पे नेम लिखा तो जहाँ आ गया। बिजनेस टाइप में भी ऑप्शन है कि बिजनेस किस तरह का आपका, आप बताएं बिजनेस कौन सा आपका, इसमें सारी ऑप्शन आपको दे रहा होगा, आप ढूंढेंगे कि अब आपकी कैटेगरी कौन सा। चलो मैंने लोकल बिजनेस ही कह दिया जो भी टाइप थी और आपने लिखा, और जाके बाद में अगर आपको ये बिजनेस की टाइप नहीं मिलती आप खुद भी इसको चेंज कर सकते हैं, बाद में जब कोडिंग बन जाए तो आप जाके जो वर्ड खुद भी चेंज कर सकते हैं। पर मैंने नेम बताया, उसके बाद उनका वेबसाइट का नेम बताया, मैंने वेबसाइट का नेम बताया, जो भी आपने फॉर्म फिल करना है सारे पैरामीटर आप इसको देते थे, मैंने अपना फर्ज करे फोन नंबर बताया इसको, और ये देखे राइट पे फॉर्म फिल होता जा रहा। अब आपसे एड्रेस पूछेगा, वो सा एड्रेस पूछेगा, स्ट्रीट नंबर, एड्रेस, जो भी आपके पैरा एड्रेस, कंट्री, सब कुछ पूछेगा आप, ये देखिए जिप कोड, कंट्री, और स्पेशली आपसे ये भी पूछेगा आपका बिजनेस किधर है। देखिए आप कंट्री बता दें, मैंने कहा पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के अंदर और पैरामीटर आपसे पूछेगा, फिर आगे तक कि आपकी फिजिकल लोकेशन क्या है, आप कहाँ, आपका मैं इसको आपके सामने इसको टाइप करके गूगल में सर्च कर लेता हूँ। ये देखो मैंने वैल्यू सर्च की तो मुझे उसे वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू आपको बता रही है, ये जैसे बिल्कुल गूगल मैप वाली वैल्यू है कि ये आप फिजिकली कहाँ लोकेट करते हैं, आपका बिजनेस किधर है, क्योंकि आपने लोकल बिजनेस कहा था तो आपसे ये भी पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है, आप जहाँ जाके ये लिखें, ये देखिए आपकी वैल्यू लग गई, अब आपने दूसरी वैल्यू भी यहीं से उठाएं। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे गूगल बिजनेस में आप किसी सर्च करने वाले के करीब होंगे तो आपकी रैंक गूगल बिजनेस में बेहतर हो सकती है, इसी तरह अगर आपने उसको ये सारे आपके ये वाले पैरामीटर नजर आपको कि आप डिस्टेंस से करीब होगा, ये आपको डिस्टेंस कितना है जिसने सर्च किया उसके साथ, अगर आपका डिस्टेंस कम होगा तो आपके टॉप पे आने के चांसेस ज्यादा होंगे। इस तरह आप अपनी वेबसाइट के अंदर ये वैल्यू सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं। ये फाइल बनती है आपकी, अगर आप देखें तो फाइल आपकी इस तरह से तैयार होती है, जब फाइल तैयार हो जाए आप इसको क्या करें, जाके कॉपी कर लें, कॉपी करके जाके आपने इसको अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर, Thank you.
इसको लगाने के लिए, जब आपने कोड बन जाए इसको लगाने के लिए, आंतरिक का यह है कि आपके पास एक वर्डप्रेस का प्लगइन है, बूटिंग के लिए उसके पास ओपन इंस्टॉल है, कॉल कर लेते हैं। ये देखिए ये प्लगइन आपका पड़ा हुआ, इसके थ्रू ये काम होता है, ये प्लगइन कर क्या सकता है। आप देख लें कि आपकी फुटर और हेडर में जो बॉडी में अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है तो जहां से ऐड की जा सकती है। अब आ जाए जी, आपको प्लगइन यहां मिलेगा, सेटिंग में आ जाए, सेटिंग के बाद ये पड़ा हुआ। क्लिक करें और जहां लाके बॉडी में उसको पेश करें, ये कोड आपने भेजा। इसमें सर ये स्टेप रिपीट कर दें प्लीज। ये आपने वर्डप्रेस में जाके आपने सेटिंग पे जाना है, सेटिंग के अंदर एक प्लगइन आपने इंस्टॉल किया हुआ ये वाला, इसको आपने क्लिक करना और कोड वहां से कॉपी करके जहां लगे पेस्ट करना। कोड आपने जस्ट फॉर्म फिल करना, कोड कोड डिफॉल्ट पे बना हुआ है, जस्ट फॉर्म फिल करेंगे चीजें तैयार होती जाएगी, बाद में लाके आप उसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन इसमें ये ख्याल रखना होगा कि उसमें से कैटेगरी कौन सी लेनी थी। मैंने लोकल बिजनेस कैटेगरी ली है, बिजनेस के पैरामीटर और हैं, अगर आप कैटेगरी और लेंगे तो उसमें चीजें चेंज होती हैं। ये वर्डप्रेस पर जाके करना है या यहाँ पर करना है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो यहाँ से मिलेगा ना। सॉरी, स्क्रिप्ट तो यहाँ से मिलेगा तो वर्डप्रेस पर वो तो मैंने यहाँ से इस वेबसाइट से बनाया है ना, यहाँ से बना के मैं वहाँ लेके गया, तो आपको बस बनाना यहाँ से पड़ेगा, बना के वहाँ लेके जाएंगे वर्डप्रेस की साइट पर। मल्टीपल हाँ बिल्कुल वर्डप्रेस की साइट, अगर वर्डप्रेस की ना हो तब भी ऐड हो जाता। फिर आपको देखिए अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैसे लेके जाना, जैसे वो पीएचपी की या किसी और फॉर्मेट की। लेकिन हर हर वेबसाइट में जो ऑप्शन ऑप्शन होती है, पर थोड़ा सा आपको फिर गाइडलाइन लेनी पड़ेगी कि चीज़ें कैसे लैब हो सकती है, क्योंकि लैब में फर्क होगा, बाकी चीज़ें बनाने में या थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं। मल्टीपल कोड एक पेज में नहीं आने चाहिए, देखिए जाकर मल्टीपल भी ऐड करने तो उनमें कन्फ्लिक्ट ना आता हो, स्टोरी डिफरेंट हो। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि अगर आपने मल्टीपल ऐड करने तो मल्टीपल पेजेस इस्तेमाल कर ले, एक ही पेज में ज्यादा एक ही चीज को डिफरेंट तरह से लाना मुनासिब नहीं होगा। अगर आपको चाहिए कि आपके कोई अगले पेज पे आप डिफरेंट पैरामीटर चाहते हैं तो दोबारा बना लें उसको डिफरेंट पैरामीटर के साथ। जैसा जो आपने कोड बनाया उसी को इंसर्ट करने की बात करें। देखिए अभी आप अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जब मैं जहाँ जो फॉर्म फिल कर रहा था तो ये कोडिंग ऑटोमेटिकली बन रही थी राइट, तो इसको आपने फिल करना। जैसे अगर मैं बिजनेस अपना चेंज करता हूँ, अभी देखें कि मैं कहता हूँ कि मेरा बिजनेस वो नहीं है, मैं किसी और कैटेगरी में लेके जाता हूँ, बल्कि अगर मैं रेसिपी में लेके जाता हूँ, क्योंकि रेसिपी में गए तो देखिए ऑप्शन और आना शुरू हो जाए। रेसिपी में गया तो आपको कीवर्ड पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, रेसिपी की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, राइट पे पैरामीटर बदल गया कि किस टाइम देखें, वो आपको बता रहा है टाइम टाइम क्या होगा, ये क्योंकि हर बिजनेस के पैरामीटर में फर्क है। और कोई क्वेश्चन?
जैसे जो हेडर और फुटर की ऑप्शन है वो किसी और काम के लिए, वो भी इस्तेमाल हो जाएगा हमारी इस लैब में, लेकिन वो इस टास्क के लिए नहीं है, वो किसी और जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा। वो मतलब है ना जिसके अंदर ऑप्शन है कि आप हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो इस लैब के लिए नहीं है। मैं अभी एक असाइनमेंट देता हूँ कि बच्चों आपने जो करके देना है वो असाइनमेंट नोट करें और असाइनमेंट को सबमिट भी कर दिया करें। मेरे ख्याल अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं असाइनमेंट नहीं देता तो आपने तो छोटी मोटी असाइनमेंट मेरी तरफ से भी आई है तो आपने भी कुछ सबमिट नहीं किया। एक असाइनमेंट लें जो आपने सबमिट करनी है और एफर्ट कीजिएगा, बैठ के होते हुए सब कुछ पॉसिबल है, हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन नहीं थी उसकी रेटिंग की। आप हम ये चाहते हैं कि गूगल में जब हम सर्च हो तो हमारी रेटिंग और हमारे रिव्यू की ऑप्शन भी नजर आए नीचे। इस तरह मैंने आपको 4-5 एग्जांपल दिए। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ जो आपने कहा, बिल्कुल कर देता हूँ। अच्छा, इसमें दोबारा सुने असाइनमेंट आपकी आपके सामने कि आपने मुझे ये चीज करके देनी है वो इसी सॉफ्टवेयर से हो जाएगी कि आपकी गूगल में जब हम नजर आए तो रेटिंग नजर आए, हमारी हमारे रिव्यू नजर आए जो सर्च में, जैसे मैंने कुछ लोगों की एग्जांपल आपको दी थी। ये असाइनमेंट वैसे फ्रांस जो आपने पूछा कि 10 पेजेस के लिए 10 डिफरेंट कोड, ऐसा कभी हुआ नहीं। नॉर्मली हम इसको होम पेज को इस्तेमाल करते हैं हर पेज पे, क्योंकि हर पेज पे ये पैरामीटर डिफरेंट नॉर्मली नहीं होते। जिस तरह मैं अगर स्कूल की बात करूं, डॉक्टर की बात करूं, मैं अपनी वेबसाइट अपने बिजनेस के बारे से बात करूं, हर पेज पे स्टोरी डिफरेंट नहीं है, हर पेज पे स्टोरी एक ही है। ज्यादातर हम होम पेज पे इसलिए लगाते हैं, एक तो अगर तो आपकी वेबसाइट टॉप 10-20 में है नहीं तो इसको लगाने का फायदा भी कोई, यूजर तो आएगा नहीं क्योंकि आपकी वेबसाइट में तो टॉप 10-20 में नहीं है। तो होम पेज पे इसलिए लगाते हैं कि होम पेज नॉर्मली जल्दी रैंक कर जाता है, तो उसमें ये चीजें लगी हो। लेकिन अगर आपने पर पेज लगाना तो बिल्कुल पॉसिबल, आप लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर पेज पे लगाया जाए। अगर आपका एक ही, देखिए अगर मेरा फर्ज करें एक ऑफिस है वो एक ही जगह पे है, एड्रेस वही रहेगा, बहुत सारे पैरामीटर नंबर वही रहेगा, ऑफिस कंपनी का नेम वही रहेगा, तो हर पेज पे लगाने की उस केस में जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बिजनेस वेबसाइट पे ज्यादा यूज होता है, लेकिन आप इसको एडसेंस वाली वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं। अगर आपकी को रेटिंग नजर आ रही है तो बिल्कुल लग सकता है, मना नहीं उसमें भी, लेकिन ज्यादातर बिजनेस के लिए, यानी कि ये उन वेबसाइट के लिए ज्यादा अच्छा है जिनपे कस्टमर को ट्रस्ट चाहिए होता है। कस्टमर बाहर से इन्फॉर्मेशन देख के ही आपकी वेबसाइट पे अगर आपकी रेटिंग उसको अच्छी नजर आ गई, आपके रिव्यू अच्छे नजर आ गए, तो आपको क्लिक करने से पहले उसका माइंड आपके बारे में पॉजिटिव बन गया, आपकी वेबसाइट का सीटीआर बेहतर हो जाता है, क्लिक थ्रू रेट बेहतर हो जाता है। लोग समझते हैं कि ये आम बंदे को यही लगता है कि इसने को अच्छा काम किया, गूगल ने इसको ज्यादा स्पेस दी हुई है, ज्यादा स्पेस का मतलब ज्यादा क्लिक। असाइनमेंट समझ आ गई जो मैं चाह रहा हूँ कि गूगल में आप सर्च हो, और वैसे ही गूगल में आप सर्च हो तो आपकी प्रोफाइल के साथ आपकी रेटिंग और आपकी रिव्यू लिखे नजर आए, ये साइन है। Thank you.
बता दें कि एक भी इम्पोर्टेंट पोर्शन ये भी, और अक्सर लोग इंटरव्यू में इसके बारे में पूछते हैं, .txt फाइल ये सॉफ्टवेयर उसको बनाने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसका कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ। ठीक है, report.txt का कंसेप्ट ऐसे है, जैसे आपका कोई एक फंक्शन हो रहा है, फंक्शन के बाहर आपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए कि किसको अलाउ करना है, किसको फंक्शन में अलाउ नहीं करना। अगर आप उसको ये नई फिल्टर लगा दे तो फिर ओपन है क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर है, तो आपने सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए कि कौन आपकी उस फंक्शन में आ सकता है। इसी तरह असाइनमेंट में जाते हैं तो कैसे करते हैं और उनके रिव्यू भी इतना, मैंने कुछ एग्जाम्पल अभी आपको बताई, वो आपने जो लास्ट मैंने लेक्चर किया उसको फॉलो करते हुए इस तरह पे ये ऑप्शन आपको करें। इसी में ऑप्शन है और चीजें डिस्प्ले करने का आपने करके दिखा दी, हो सके स्लाइड मिल सकती है, अगर कोई स्लाइड नहीं शेयर होती तो वो रिमाइंडर दे दिया करें, वो स्लाइड जो क्लास में है वो आप सिक्योरिटी गार्ड को आप गाइड कर देते हैं कि भाई इस तरह के लोगों को आपने आने देना, इस तरह के लोगों को आप नहीं आने देना। report.txt का फाइल का भी यही पर्पस है, जब आपकी वर्क कर तो दुनिया के जितने भी सर्च इंजन है, सर्च इंजन मार्केट में हंड्रेड्स के अंदर है, हम गूगल को जानते हैं, अपना हमारा सर्च इंजन है कोई नहीं, गूगल को हम जानते हैं, इसलिए हमें बजाहत ये लगता है गूगल ही सर्च इंजन है मार्केट में, और भी सर्च इंजन है डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट सर्च इंजन ज्यादा फेमस है। report.txt बेसिकली ये रोल प्ले करती है, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, ये फाइल है रिपोर्ट्स और ये आपका गूगल जब आपकी सर्च इंजन है, ये आपकी वेबसाइट है, और गूगल अगर आपकी वेबसाइट में आना चाहेगा तो इस फाइल से गुजर के आएगा। इस फाइल के अंदर आपने दो ऑप्शन रखी होंगी, यस या नो। यस का मतलब था गूगल का क्रॉलर किस पेज पे आ सकता है, किस पेज पे यस वेबसाइट पे अलाउ डिनाई कर सकते, आप किसी फोल्डर पे अलाउ डिनाई कर सकते, फाइल पे डिनाई अलाउ कर सकते। जैसे आपका फंक्शन में आए ना तो आपने फुल डिनाई सिर्फ मेल साइट पे बैठे तो आपने एक साइट उसको अलाउ कर दी, फिर आपने कहा कि मेल साइट पे आए लेकिन मेल साइट पे भी जो हमारी परमिशन से गूगल चले। अब आप पूछेंगे सर इसका प्रैक्टिकल यूज कब होगा, हमें बाहर से कुछ ऐसा काम करता है, मतलब यूएसए में जब आप काम करेंगे और नहीं तो समर साहब मैंने किसी को एक्स्ट्रा लॉ नहीं किया, जो स्टूडेंट्स क्लास में हैं वही स्टूडेंट्स हैं। Yeah.
जी तो आप गूगल को मैंने कहा मना कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे नहीं आना, अभी बेहतर हुई कि नहीं अभी? दोबारा सुने कि arbor.txt का काम ये होता है कि हम एक फिल्टर है जिसके थ्रू हम सर्च इंजन को अपनी वेबसाइट में मना कर सकते हैं, आने दे सकते हैं, जगह पे जाने देना है, वो सारा कंट्रोल हम कर लेते हैं। और डिफॉल्ट में इस फाइल के अंदर कुछ नहीं होता, गूगल को फुल परमिशन होती है वेबसाइट के, वो किसी भी पेज पे जा नहा सकता है। आम वेबसाइट के लिए शायद इसकी उतनी वैल्यू ना हो, जब आप किसी बिजनेस वेबसाइट पे या किसी बाहर के क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो क्लाइंट समटाइम ये कहता है कि मेरी वेबसाइट है, मैंने इसको अपने प्रोटेक्ट पर्पस के लिए या किसी फैमिली पर्पस के लिए इसको बनाया, मैं इसको पब्लिक नहीं करना चाहता, मेरी इसके ऊपर चीजें पड़ी हुई है, मेरा डाटा पड़ा हुआ पर्सनल, मेरी कोई पासपोर्ट कॉपी, मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे घर के डॉक्यूमेंट पड़े हुए, मैं इसको पब्लिक नहीं करना चाहता, तो आप इसको रोके। हम arbor.txt में जाकर सर्च इंजन को कह देते हैं कि आपकी मेहरबानी, आपने इस वेबसाइट पे नहीं आना। ना सिर्फ गूगल को बल्कि जितने भी सर्च इंजन है सबको आपको डिनाई अलाउ कर सकते। आप देखिए जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन दे रहे हैं कि इसको मना करना है, स्मार्टफोन को, गूगल को, जेके गूगल वीडियो को, बाकी बिंग को, हर सर्च इंजन की जगह आएगी, लेकिन चाइनीज सर्च इंजन भी आपको नजर आ रहा है, तो कहते भैया किसको मना करना आप? आप सबको भी कर सकते हैं, किसी एक को भी कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो में आपको और भी बताता हूँ। बात अब ऐसे होता है कि वेबसाइट पे कोई, आपकी वेबसाइट पे कोई कह लें कि कुछ चाइनीज अटैक बात अब हो जाते हैं, कुछ चाइनीज कंटेंट ऐड हो जाता है, तो वो चाइना के सर्च इंजन में ऐड हो जाती है वेबसाइट, आपको वहां से ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है चाइना से, इररेलेवेंट ट्रैफिक, तो हम जाके उनके सर्च इंजन को ब्लॉक कर सकते हैं कि आपने मेरी वेबसाइट में नहीं आना, ताकि जब वेबसाइट में नहीं आएगा तो आपकी वेबसाइट पे उन सर्च इंजन से ये रेलेवेंट ट्रैफिक नहीं आएगी। मैंने कहा ये उस टाइम पे हो सकता है जब आपकी वेबसाइट पे किसी अदर लैंग्वेज का कोई अटैक हुआ, जैसे बात दफा इंग्लिश वेबसाइट है वो चाइनीज में या कोई अरेबिक में बात दफा वो ट्रांसलेट कर देते हैं डिफरेंट तरह के अटैक, आप उन सर्च इंजन को ब्लॉक कर सकते हैं जो आपको इररेलेवेंट ट्रैफिक दे रहे हैं। इसका नॉर्मली हमें गूगल के लिए करना पड़ता है कि एक तो केस मैंने ये बताया कि किसी की पर्सनल वेबसाइट है वो नहीं चाहता, वो कहते हैं इस वेबसाइट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं डिस्प्ले करना चाहता, तो आप ब्लॉक कर देंगे। एक इसका इस्तेमाल और भी है, आप नई वेबसाइट बनाने लगे हैं, अभी आपकी वेबसाइट शुरू में कॉपी पेस्ट है, कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी आपने वेबसाइट को ठीक करना है, क्लाइंट के साथ अभी आपकी परमिशन, क्लाइंट उसको चेक कर रहा है, वेबसाइट को अलाउ डिनाई कर रहा है, तो आप नहीं चाहते कि वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन होते हुए सर्च इंजन में ऐड हो जाए, तो आप गूगल को मना कर दें। बेस्ट होगा कि गूगल को मना करें, जब तक वेबसाइट फाइनल ना हो जाए तब तक उसको आने ना। आपकी तरफ
नहीं ये पेड़ नहीं ये फ्री है सॉफ्टवेयर सबके लिए, ये पेड़ नहीं है ये सबके लिए ऑप्शन है। और ये फाइल जब भी हम होस्टिंग लेते हैं तो ये फाइल हर होस्टिंग में ये लगी होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इस फाइल में कुछ नहीं होता, जो फाइल खाली होती है इसका मतलब था कि बाय डिफॉल्ट ये फाइल में सब कुछ अलाउ होता है, लेकिन आप इसमें ये कि फाइल पहले बनी होती है आपकी होस्टिंग में, आपने जब जाकर उसमें डाटा अपना डालना होगा कि अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं इसी से भी बना लें, अगर आप इस तरह भी फाइल बना सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने किसको रिनाई करना है, तो मैं कहता हूँ फर्ज करें गूगल बॉट्स को, तो आप ये फाइल उसकी देखो करें, इसमें कहीं क्रिएट का बटन होगा, ये तो हम खुद बना लेते हैं इसको, मैनुअली भी फाइल बन जाती है, मुश्किल नहीं है जी। ये देखिए आपने उसने आपको नॉर्मली ये फाइल इस तरह होती है कि इसका मतलब होता है ऑल और डिसअलाउ कि आपका आप कहते ये पेज ना नजर आएगा गूगल की सर्च में, ये पेज ना नजर आएगा, इसमें ये हो सकता है इसको फिर आपको मैं आपको आप इसको सर्च करें कि एक्सेल डिसअलाउ ऐसे भी हो सकती है फाइल, इसका मतलब होता है कि अलाउ इसका मतलब था कि आपने सब कुछ अलाउ कर दिया, और अगर आप इसको डिसअलाउ ऐसे करेंगे तो इसका मतलब था कि पूरी वेबसाइट ब्लॉक हो जाएगी, इस डैश आपने रूट टैग भी ब्लॉक कर दिया। इसको आपको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कि आप इस फोल्डर को ब्लॉक करना चाहते हैं, आप इसको इस तरह करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप तो एक फाइल को डिनाई करना चाहते हैं। मजीद अगर आप इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा गूगल कर लेते हैं report.txt। ये देखिए कि आप अगर अलाउ करना चाहते हैं तो ऐसे करो, खुद अलाउ गूगल की वेबसाइट से मैं आपको
अगर आप वो डिसअलाउ करना चाहते हैं, देखिए ये डिसअलाउ, ज्यादा बेहतर है कि इसको स्टडी कर लें। ये सारा एक अच्छी एग्जांपल दे रहा है गूगल क्लास, ये समझ आ जाएगा जो हमने डिस्प्ले। ये बच्चों इस फाइल के हवाले से कोई क्वेश्चन आप लोग का? ये आ जाएंगे फाइल आपको कहाँ से मिलेगी, आपको आ जाए SEO, उसी डोज प्लगइन की वजह से आपको मिलेगी SEO। उसके बाद आपको जाना टूल पे, लैब उसकी नोट कर लेंगे कैसे हो, आप वर्डप्रेस पे लॉग इन हुए, SEO पे क्लिक किया, आप टूल पे गए और उसके बाद जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ऑप्शन मिलेगी ये वाली फाइल एडिटिंग। फाइल एडिटर पे आप क्लिक करेंगे, ये फाइल पड़ेगी, इसको जाके आपने फिल करके आप सेव कर देंगे इधर से। और अगर कुछ नहीं फिल्टर करना चाहते तो आप बिल्कुल इस फाइल पे आए, डिफॉल्ट जो ओपन होती है, लेकिन सम केसेस में जब आप बाहर का काम कर रहे हैं तो बाद में लोगों ने इसमें डिनाई किया होता है, तो जैसे कहते हैं कि डेवलपर एक दफा डिनाई कर देता बात तो उसको याद ही रिस्पॉन्ड करने को। अगर आप इस पे डिनाई कर देते हो गूगल में इंडेक्स नहीं होगी, आप इधर आके आपने चेक करना होता। बल्कि आगे चलकर हम एक लैब करेंगे वेब मास्टर टूल, वो वेब मास्टर टूल आपको बता देता है कि अगर आपकी रिपोर्ट इस बार में इशू हो तो आपने सही कॉन्फिगर ना किया, अगर कोई इशू हो वेबसाइट ना इंडेक्स हो रही हो तो हम इस फाइल को आगे चेक कर रहे होते हैं कि इस फाइल में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से हमारी इंडेक्सिंग स्टॉप है।
बाकी बच्चों इस पे कोई क्वेश्चन हो तो बात कर लें फिर नेक्स्ट शिफ्ट पे। अब आगे कुछ एक्स्ट्रा कुछ एसईओ के टूल हैं, टैग हैं, जिनको भी हमने डिस्कस करना है। ये भी ऑप्शनल टैग है, डिपेंड करता है कब आपने इसको इस्तेमाल करना है। नंबर वन पे आ गया और नो फॉलो टैग इम्पोर्टेंट, इसकी लैब भी बात में करते हैं। ये वो टैग है जो नो फॉलो टैग, इसका आप कह दें कि इसका तल्लक ऑन पेज के साथ भी है, इसका तल्लक ऑफ पेज के साथ भी है। लेकिन फिलहाल अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं अब इसको हम इसको ऑन पेज के वाले से बात करने लगे। और ये अगेन ऑप्शनल है, किसी वेबसाइट में जरूरत पड़ेगी, किसी में हो सकता है आपको उसकी जरूरत ना। नो फॉलो का मतलब ये होता है कि इस तरह आप इसकी टैकल ऐसे ले लो फॉलो की कि टीवी पे प्रोग्राम चलता है तो प्रोग्राम के शुरू में एक मैसेज आता है कि भाई इस प्रोग्राम में जो भी डिस्कशन होगी और वो अदारा इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, इसका मतलब तो अदारा उसको नो फॉलो कर रहा है, उसको प्रोग्राम तो नशर कर रहा है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। एसईओ के बारे से बात करें, जैसे फेसबुक पे हम अपना कोई लिंक शेयर करते हैं, फेसबुक पे जाके अपना कोई यूआरएल शेयर करते हैं, तो फेसबुक उसके साथ नो फॉलो लगा देता है। नो फॉलो फेसबुक इसलिए लगाता है कि वो जो कंटेंट आप लगाते हैं वो उसकी क्वालिटी फेसबुक को नहीं पता होती कि वो कैसी है, कहां से लिया आपने, वो ए क्लास है, बी क्लास है, कॉपी पेस्ट है, तो फेसबुक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। फेसबुक के कदम साथ बैकएंड पे नो फॉलो लगा देता है जो यूजर को नहीं पता चलता, लेकिन वो मैसेज सर्च इंजन को जा रहा होता है कि फेसबुक किसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल, जैसे आप किसी को रेफरेंस देते हैं, किसी को किसी जॉब पे भेजते हैं, किसने आपको काफी बंदा रेफर कर दिया, आपने बंदा रेफर कर दिया, जैसे वो बंदा इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था जिससे आपने कॉल भी कर दी कि जो बंदा मेरे रेफरेंस से है लेकिन इसका मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसको आपने को जज करना है, पसंद आएगा तो आप रखिएगा। तो उसने कॉल करके ये कहा कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसका मतलब तो उसने रेफर तो किया लेकिन आप उनको फॉलो कर रहे हैं। एसईओ में इसकी जरूरत कब पड़ती है, मसलन मैं आपको इसकी एक और थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। ये एक आपकी वेबसाइट है, ये इसका नाम है ए, ये किसी और की वेबसाइट है, इसका नेम है बी। आपने अपनी वेबसाइट से एक हाइपरलिंक दिया इसको, इसको जो आपकी वेबसाइट से एक लिंक इसको जा रहा है बी को, बी किसी और की वेबसाइट है, लिंक क्यों दिया था लेता बात है, लेकिन आपकी वेबसाइट के साथ उसकी वेबसाइट जुड़ी हुई थी कि अगर आप एक ए पे जहां क्लिक करेंगे तो आप बी वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको बी का कंफर्म नहीं था कि बी कैसा काम करता है, अच्छा काम करता है, कॉपी पेस्ट है, क्वालिटी वर्क है। अब अगर आप बी को प्रमोट कर रहे हैं, अगर बी ने कोई भी गलती की तो उसका नुकसान ए को भी हो सकता है। ए बेसिकली क्या करता है, उस लिंक के साथ जहां नो फॉलो लगा देता है, नो फॉलो का मतलब था वो सर्च इंजन को ये कह रहा है कि मैं इसको लिंक तो दे रहा हूँ, मेरी ट्रैफिक तो वहां जा सकती है लेकिन मैं इस बी का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अगर बी ने कोई भी गलती की तो उसकी सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। इस ये नो फॉलो से ये आपका पर्पज अचीव होगा, लिंक आप उसको दे रहे हैं लेकिन आप पूरा लिंक नहीं उसको दे रहे। आप पूछेंगे ये क्यों किया गया, देखें अगर ए ने बी को लिंक किया तो बी को तीन बेनिफिट जा रहे थे, ये बात समझने वाली। जब इसको लिंक किया गया तो बी को तीन बेनिफिट जाते हैं नॉर्मली, पहला बेनिफिट जाता है कि बी को ट्रैक हो जाती है, दूसरा बेनिफिट जाता है कि बी की भी अथॉरिटी बनती है, जैसे आप किसी अपने सीनियर के साथ आपके तलकात बन जाते हैं, आपका कोई सीनियर की फैमिली में अच्छी पोस्ट पे है तो आप उसके साथ जब तस्वीरें शेयर कर रहे होते हैं तो उसका मतलब था कि आप उसकी अथॉरिटी कैश कर रहे हैं। इसी तरह अगर बड़ी वेबसाइट आपको बैकलिंक करती है तो वो उसकी अथॉरिटी भी कन्वर्ट होगी, अगर वो अच्छी है तो उसका इम्पैक्ट सर्च इंजन की नजर में आपकी वेबसाइट पे भी आएगा। अथॉरिटी एक नंबर होता है जो आपका भी इंक्रीज करेगा जो कि बड़ी वेबसाइट आपको बैक कर रही है। दूसरा जो होता है कि आपकी कीवर्ड रैंक करते हैं, किसी से बैकलिंक लेके आप गूगल में टॉप पे जाते हैं, गूगल भी देखता है कि इसको 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 अच्छी वेबसाइट है बैकलिंक कर रही है, इसका मतलब है इसका काम अच्छा है। लेकिन जब नो लगता है आपको ये दो वाले बेनिफिट्स स्किप हो जाते हैं, आपको सिर्फ एक बेनिफिट मिलता है जो ट्रैफिक आपको आ रही है,
क्योंकि ये वेबसाइट अपने आप को भी सिक्योर करना चाहती है, क्योंकि अगर बी, अगर ए की वजह से बी रैंक करेगा और बी अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो बी की वजह से ए की रैंकिंग, क्या आपने गलत वेबसाइट को प्रमोट किया होगा। उसके लिए ए क्या करता है, उस बैकलिंक के साथ नो फॉलो लगा देता है। नो फॉलो लगने के बाद उस लिंक का इम्पैक्ट कम हो जाता है दोनों एंड पे। जो हो गया सारे, आवाज नहीं आ रही या समझ आ रही है? अच्छा, अब जब आप काम कर रहे होंगे और आपकी अगर नई वेबसाइट है तो आपसे बैकलिंक वैसे कोई नहीं मांगेगा, परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप नई वेबसाइट बना के बैठे हैं, अगर आप अभी स्टार्ट है आपका, तो कोई बैकलिंक नहीं मांगता आपसे। इसलिए आपको नो फॉलो डू फॉलो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई बंदा आपसे बैकलिंक मांगेगा ही नहीं। ऐसा होता नहीं कि अगर आपकी फैमिली में कोई अंकल गरीब हो तो उसके साथ नहीं हम स्टेटस लगाते हैं, उसको लगाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं कि किसकी जॉब अच्छी है, उसके साथ स्टेटस लगाते हैं। इसकी तरह जो नई वेबसाइट होती है वो नई वेबसाइट होती है, उससे कोई बैकलिंक नहीं मांगती, उसको नो फॉलो और डू फॉलो की टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर बड़ी वेबसाइट है तो उससे लोग बैकलिंक मांगते हैं, जैसे हम फेसबुक से मांगते हैं, ट्विटर से मांगते हैं, लिंक्डइन पे अपना लिंक शेयर करते हैं, यूट्यूब पे अपना लिंक शेयर करते हैं, क्योंकि वो बड़ी वेबसाइट है, वहां से हमें डायरेक्ट ट्रैफिक का बेनिफिट मिलता है। लेकिन वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए साथ नो फॉलो लगाती है। अच्छा, अब आपको इस लेवल पे बताने का मकसद ये है कि जब आप अपनी नई वेबसाइट का एसईओ करेंगे तो मैनेजर किसी ने आपसे मांग लो। हाँ, ये हो सकता है आप अभी सर्विस में आए, कोई किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, उस क्लाइंट की वेबसाइट पे किसी के बैकलिंक लगे हो, तो आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि इस लिंक को उतारना है या रखना है, क्लाइंट का नहीं रखना है, तो आप फिर देख सकते हैं कि इसने बैकलिंक किसको दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि जिसको बैकलिंक दिया वेबसाइट अच्छी नहीं है, तो आप क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि भाई इसको हम नो फॉलो करते हैं, हमें ना नुकसान हो जाए इसका। उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपने उस क्लाइंट की वेबसाइट पे लगे बैकलिंक को नो फॉलो करना है। दूसरा, आपको अभी इस तरह इसका पता होना इसलिए जरूरी है कि जब आप अभी कल को कोई मार्केट में किसी का काम शुरू करते हैं, जाहिर आप उसको ऑफ पेज भी करेंगे। जब ऑफ पेज करेंगे तो ऑफ पेज करते हुए हमें क्या रखना होता है कि हमने जो बैकलिंक लेने हैं, फर्ज करें एक क्लाइंट मुझे कहता है, अक्सर आप पर पे ऐसी जॉब पड़ी होती है, क्लाइंट कहता है मुझे 100 बैकलिंक करवा दे आप। अब 100 बैकलिंक आपने कैसे करवा के दे रहे हैं? ये डू फॉलो भी होते हैं और नो फॉलो भी होते हैं। अगर आपसे को ऑफ पेज करवाएगा तो वो हमेशा डू फॉलो लिंक आपसे कहेगा मुझे करवा के दे। अच्छा, आपने जब किसी को ऑफ पेज करना तो हम देखिए, नो फॉलो को इग्नोर नहीं किया जा सकता, नो फॉलो इग्नोर करेंगे तो सारा सोशल मीडिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक बड़ी वेबसाइटें सारी नो फॉलो ही करती है। तो इसमें हम एवरेज दर्ज निकाल रहे होते हैं बाद में, अगर डू कितने नो कितने, अगर मेरा ख्याल है कोई आप 60-70% तक डू फॉलो कर जाते हैं और आप कह रहे हैं कि कोई 30-40% तक आप नो फॉलो कर जाते हैं, तो ये रेशियो ठीक है, क्योंकि 100% आप नो फॉलो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप लोग क्योंकि फॉलो का चांस ज्यादा होगा, आप अच्छे बैकलिंक की कैलकुलेशन उसकी टैफक भी हो सकती है। अब आपको पता है फेसबुक पे जब आप पोस्ट करते हैं तो 15 मिनट में टैफक अच्छी खासी आ जाती है, तो लिंक नो फॉलो होते हैं, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं नो फॉलो है तो लिंक तो है ना, क्योंकि जो डू फॉलो बैकलिंक होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलते हैं, नो फॉलो आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए जब फिर हम काम करते हैं तो नो और डू का कॉम्बिनेशन ही चलता है, लेकिन ज्यादा नो नहीं होने चाहिए, ज्यादा डू फॉलो बैकलिंक होने चाहिए। नो फॉलो और डू फॉलो की डेफिनेशन देने का ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं। ये शहजाद, वो जो आप कह रहे हैं बैकलिंक बिल्कुल ब्लॉक बना के हम करेंगे, लेकिन अभी बैकलिंक हम नहीं पढ़ रहे, तो अभी हम इसको वैसे ऑन पेज के वाले से डिस्कस कर रहे हैं नो फॉलो डू फॉलो, लेकिन बिल्कुल ब्लॉक से बैकलिंक भी हम करेंगे जो आपने क्वेश्चन।
बिल्कुल सिंपल लिंक होगा तो वो डू फॉलो होता है, लेकिन मैं आपको इसकी किसी वेबसाइट में लगे दिखाता हूँ बैकलिंक, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि आप जाएं। वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ, उसमें लिंक लगे हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कोड होगा पता नहीं। ये वेबसाइट है जो बैक लिंक देती है, तो इस वेबसाइट में जाके आप ये देखिए, आप देखिए कि इस ये एक लिंक लगा हुआ है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, लेकिन जाके अगर आप इसकी कोडिंग में देखेंगे, जाके राइट क्लिक करके कोडिंग देखें तो आपको नजर आएगा नो फॉलो का वर्ड लिखा, ये वेबसाइट है और पीछे नो फॉलो लगा। ये बेसिकली वेबसाइट सर्च इंजन को कह रही है कि भाई ये बैकलिंक किस क्वालिटी का, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, अगर इसने अच्छा काम नहीं किया तो उसकी सजा मुझे नहीं आनी चाहिए। तो बड़ी वेबसाइट इसको इस्तेमाल करती है, जब हम किसी वेबसाइट को ऑर्डर करने जाते हैं ना, अभी हम फाइनल ऑर्डर करना सीखेंगे, जब हम ऑन पे ऑफ पे पढ़ लेंगे, जब हम किसी वेबसाइट को ऑर्डर करने जाते हैं तो उसके हम ये भी चेक करते हैं कि बैकलिंक कितने कितने बैकलिंक है, कितने नो फॉलो है, कितने नो फॉलो है। शॉर्ट फिर आपको एक मिनट में बता देता है कि इसके बैकलिंक कितने हैं, कितने नो फॉलो है, कितने नो फॉलो। तो नॉर्मली 70% तक नो फॉलो ट्राई करते हैं, 30 तक हमारे नो भी होते हैं, क्योंकि नो के बगैर काम चल नहीं सकता, वरना सोशल मीडिया आपका जीरो हो जाए। नहीं, इसमें स्पेशल जो नो डू फॉलो बैकलिंक का कंट्रोल 110% हमारे पास नहीं होता, क्योंकि बैकलिंक के लिए आपको अपनी वेबसाइट की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हमारी अपनी वेबसाइट है तो फिर तो हमारे पास कंट्रोल है, लेकिन अगर आपने किसी से बैकलिंक लेना है तो फिर मर्जी उसकी है कि वो नो करता है या नो करता है। जब हम ऑफ पेज करेंगे तो फिर हम ढूंढते हैं कि डू भी हो और नो भी हो, नो ज्यादा आसानी से मिल जाते हैं, डू के लिए आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप समझे नो फॉलो बैकलिंक, मैं थोड़ी सी एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डू फॉलो का मतलब है कि ऐसा बंदा जो आपके साथ इलेक्शन में आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसका वोट भी आपके हल्के में, जिसका आईडी कार्ड भी बना हो, यानी उसका वोट है, वो डू फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो का मतलब था कि बंदा आपके जलसे जुलूस में तो आता है, नारे तो लगाता है, लेकिन आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, या उसका वोट आपके हल्के में नहीं, वो बेनिफिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था उससे। बच्चे नहीं नारे लगा रहे होते, वो सारे नो फॉलो बैकलिंक होते हैं, क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं होता, लेकिन रश और शोर तो मचा रहे होते हैं, लेकिन उनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अपना एक बेनिफिट तो है कि रश तो नजर आता नहीं कि इसमें ज्यादा लोग आए, इसलिए नो डू ज्यादा होना अच्छा है, लेकिन वो अच्छा तो है लेकिन उतना मुश्किल काम है डू फॉलो बैकलिंक लेना। तो बच्चों इसी असाइनमेंट आप करके दें, इसी स्लाइड को हम दोबारा लेके चलेंगे, इसमें और चीजें भी हैं और इसको स्लाइड पे खत्म करेंगे, फिर इसकी लैब होगी और फिर आगे बढ़ेंगे। मुलाकात होती नेक्स्ट सैटरडे, तब तक आप असाइनमेंट करके कभी भी ग्रुप में या वन टू वन में सेंड कर सकते हैं, और बाकी लोग जो क्लास का जो लिंक होता है तो उसमें आप ग्रुप में ऐड हो जाए सारे व्हाट्सएप में, ताकि एक ही बंदे को चला जाए ग्रुप में, सबको मिल जाए। मुलाकात होगी चला नेक्स्ट सैटरडे को, ओके, अल्लाह हाफिज़।